हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ आपके लिए नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही रोमांचक होने वाला है। देखिए हमारा सेटअप, हमने बनाया है एक रैम। अब आप सोच रहे होंगे ये रैम का क्या काम है। तो हमें ये रैम पे ये कुछ हमने खिलौने रखे हैं, इन खिलौनों पे हम पटाखे लगाकर, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अनार लगाकर या रॉकेट्स लगाकर हम इस रैम पर चलाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि रॉकेट की पावर इन टॉयज को खींच पाएगी ऊपर रैम की तरफ, या यहीं गिर जाएगा, या जो भी होगा। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। सो गाइस, हम क्या करने वाले हैं, छोटे टॉयज पे जो साइज में छोटे हैं उन पे हम लगाएंगे एक एक रॉकेट, बड़े वाले पे हम लगाएंगे दो, और इस हवाई जहाज को हम ऊपर एलिवेट करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे बड़े घोड़े को, इसमें हम लगाएंगे अनार भी और रॉकेट से भी ट्राई करेंगे। तो चलो पहले हम छोटे वाले से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनार की जो है जो स्टिक होती है वो काट लेंगे, ताकि हमें स्पेस मिल सके चिपकाने के लिए। तो ये हम ये पहले ही हम दो के काट चुके हैं, एक इस पर चिपका देंगे रॉकेट और एक इस पर कहीं फिट करेंगे रॉकेट को। तो चलो पहले इसका काम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है तैयार, देखिए एकदम बढ़िया से चिपक गया है। ये हम हटा लेते हैं सेफ्टी के लिए, दूर रख लेते हैं। इसमें भी एक लगा लेते हैं जो बेस्ट जगह हो, आई थिंक ये जगह बेस्ट रहेगी इसके लिए। इसे यहाँ अटका के टेप से, और इसे हम फायर करने की कोशिश करेंगे। इसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हमने चिपका दिया इधर, एक आगे चिपका देते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। ये हमने चिपका दिया इसको इधर, ठीक है दोस्तों। पहले इन दो को टेस्ट कर लेते हैं, छोटे वालों को, फिर हम इस पे चलिए दोस्तों। हवा है, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, बट हाँ इसकी जरा हालत पतली हो गई है, ऑब्वियसली इसके टेम्परेचर से और उसके भाव से। तो व्यूअर्स, एक में तो आपने देख लिया, कुछ खास मज़ा नहीं आया। इस छोटे वाले को अपने दो लगाए हैं, चैलेंज ये रहेगा कि दोनों में आग सेम टाइम लग पाए, तभी मज़ा आएगा। तो ये थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, तो लेट्स ट्राई। अरे वाह, ये थोड़ा सा तो मूव हुआ था। अब हमारी रैम की हालत देख लो, ये हम इंडियन रोड्स की तरह खड्डों वाली रोड बन गई है हमारी रैम्स की। और ये भाई साहब तो चले तो सही थोड़े से, तो मतलब कहने का कि दो रॉकेट का दम लगेगा इस हल्के से टॉय को मूव करने के लिए। सो गाइस, इस पर हम थोड़ा अमेंडमेंट करके अब की बार रॉकेट्स को हम लगाएंगे साइड पर, ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा पुश देंगे मोमेंटम के लिए,
तो होपफुली ये शायद स्मूथली सेल करेगा। तो चलिए वाला एक्सपेरिमेंट जरा ट्राई कर लिया जाए। इस पे अब हम साइड में रॉकेट लगाते हैं। तो मजे लगा दिए, इसका तो लट्टू भी बन गया था और ये थोड़ा मूव भी हुआ। तो इससे पता चलता है कि यार साइड में लगाना चाहिए ताकि थोड़ा सा तो मूव हो और स्पीड भी थोड़ी सी पकड़ ली थी। तो चलो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हमारा सफल रहा। तो दोस्तों ट्रैक्टर ने तो मजे लगा दिए, उसका लट्टू भी बन गया। अब इसमें हमने क्या किया है, हमारे घोड़े भाई साहब में हमने इसमें एक अनार फिट कर दिया है और अब हम इसे आग लगा के देखते हैं कि ये भाई साहब कहाँ तक जाते हैं। तो दोस्तों हवा इतनी थी कि हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ी। अब इस दीवार के सहारे एटलीस्ट हवा तो नहीं आएगी। चलो अब यहाँ ट्राई कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक अनार हमारा पूरा दम लगा के शायद इस घोड़े भाई साहब को 2 इंच या 3 इंच हिला पाया। हमने सोचा रॉकेट की जगह इसमें भी अनार लगाया जाए हमारे इंडियन ऑटो में, तो क्या ये मूव होगा। अनार हमने छोटा वाला लिया है क्योंकि इसका साइज भी कम है। तो चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरह टेप कर दिया ताकि ये बैक थ्रस्ट ना मारे, कहीं पता चले ऑटो के अंदर ही घुस गया हमारा अनार तो जो बेचारे हमारे पैसेंजर्स हैं वो तो आग में हो जाएंगे एकदम आग बबूला। ये चला अनार, ये चला स्कूटर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चला भाई चला, लेकिन ज्यादा मजे नहीं आए। तो दोस्तों एक बार और बड़े अनार के साथ हमारे स्कूटर को इस बार हम थोड़ा मोमेंटम भी देंगे, तो देखते हैं कहां तक जाता है। ये स्कूटर ऐसे मजे लगा दिए। अरे आपको इसकी चिंगारी देखने लायक थी, ऐसे था जैसे वॉटरफॉल, मजे ही आ गए। और देखिए स्कूटर भाई साहब तो एकदम लॉन्च पोजीशन पे है, अभी थोड़ा और थ्रस्ट मिलता तो उड़ जाते। सोचा ये हमारा लास्ट टॉय है इस वीडियो का, इसे तो ड्रोन लिखा हुआ है, इसे हम हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें रॉकेट्स फिट कर दिए हैं, देखिए टेप से रॉकेट्स की डंडी निकाल के, और ये बिना बम वाला रॉकेट है तो इसको हमने इसमें फिट कर दिया है। अब हम ट्राई करेंगे कि इसे कितना लिफ्ट कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो चैलेंज ये रहेगा कि दोनों में आग कैसे लगाई जाए।
कोशिश करेंगे दोनों हाथों से आग लगा दें, फिर भी हो सकता है कि एक एक करके जले। आइए कोशिश करते हैं। रॉकेट तो देखो निकले नहीं, एकदम चिपके हुए हैं, और जैसा आपने देखा है थोड़ा सा हिला और फिर ये गिर गया उल्टा होके। शायद ये सीधा होता तो ऊपर चला जाता, पर चलो कोई नहीं, अच्छा ट्राई था। ओके देन, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।